Hi viewers, welcome to the next video by Online Live Classes. This video is on progressions. By progressions I mean we have two types of progressions, that is arithmetic progression and geometric progression. So let us now understand what do you mean by an arithmetic progression and what do you mean by a geometric progression. So if I give you an example, that is a sequence jisme aise elements hain and so on. So now you can see that if I take the difference of next term minus the previous term, this is my next term and this will be my previous term. So inka difference 2 hai mere paas. Again next term minus previous term ki agar main baat karun to difference is again 2. 8 minus 6 is again 2. 10 minus 8 is again 2. 12 minus 10 is again 2. So jis sequence ke andar aapke paas aisa ho ki next term माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहे, ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. नाउ माइंड इट, ये डिफरेंस जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, इट कैन बी नेगेटिव. जैसे 0, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 10. तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करें, दैट इज माइनस 2 माइनस 0, द डिफरेंस विल बी माइनस 2. माइनस 2 माइनस 4 विल अगेन बी माइनस 2. माइनस सिक्स माइनस माइनस फोर विल अगेन बी माइनस टू. तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंस कैन बी नेगेटिव. नाउ दिस डिफरेंस नीड नॉट नेसेसरली बी एन इंटीजर, इट कैन बी इन पॉइंट्स ऑल्सो. जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं 0.5 माइनस 0 इज 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 2 माइनस 1.5 इज 0.5. तो अब हमें पता लग गया एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहे, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब आपके लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. नाउ अगर आप इन दो फॉर्मूलाज को देखिए तो nth term का मतलब क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म को हम क्या कहेंगे. अगर कोई सीक्वेंस है मेरे पास, लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, और मुझे इसका 100th टर्म बताना है. 100th टर्म का मतलब क्या है, इस सीक्वेंस के 100th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा. तो उसके लिए वी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1d. जहां पे ए आपका रहता है फर्स्ट टर्म, बाय फर्स्ट टर्म मेरा मतलब है इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म. जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है. ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ पे मुझे 100th टर्म निकालनी थी तो n का मतलब हो गया 100. और यहाँ पे d का मतलब रहेगा आपके पास कॉमन डिफरेंस. जैसे इस केस में कॉमन डिफरेंस था 2, इस केस में कॉमन डिफरेंस था माइनस 2, इस केस में कॉमन डिफरेंस था 0.5. तो काइंडली इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए फॉर nth टर्म, दैट इज tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. If I take you to the next formula, my next formula is basically the sum of n terms. Now, what do you mean by sum of n terms? अगर मैं आपको कहता हूँ कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so on चलते जा रहे हैं, you have to tell me the sum of first 100 numbers of the sequence. तो मेरे पास formula होता है n by 2 bracket 2a plus n minus 1d, जहाँ पे a again मेरा first term है, n मेरा number of term है, d मेरा common difference है. और वहीं अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे दी जाए तो आप ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज n बाय 2 इनटू a प्लस l, वेयर l स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म. आई रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि आप एक बार इस फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट कर लीजिए, सारे एब्रीविएशन जो आपके हैं a, n और d को हम अच्छे से समझ लें और उसके बाद आगे मूव ऑन करिए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू फाइंड द 25th term and 30th term of the following AP. 20th term and the 30th sum of 30 terms of the AP. तो अब अगर हम यहाँ पे पहले sequence की बात करें, तो my first sequence is 12, 18, 24, 30 and so on. तो A जो रहेगा that is first term, that is 12. अब common difference की अगर हम बात करें, that should be the difference between the first two terms, that is 6. और n की अगर हम बात करें तो n अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन इट शुड बी 25. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ t
t25. T25 will be given by a plus 25 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम इसमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो n की वैल्यू 25 है मेरे पास. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, a शुड बी 12, दिस शुड बी 24 एंड कॉमन डिफरेंस इज 6. सो इफ आई सॉल्व दिस, दिस विल बिकम 6 इंटू 24 विल बी 144. सो 144 प्लस 12, माई आंसर इज 156. काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन. Once noted, then move on to the next question. Now, if I have to find the 25th term for the next one, so again, my a should be 11. My d will be given by 26 minus 11, that is 15. And the number of term is 25. So again, using the formula t25, that would be given by a plus 25 minus 1 into d. So this a is given by 11. 24 and d is given by 15. So if I solve this, this will become 360. So on adding this, my answer becomes 371. Kindly pause the video and note down the solution. Once noted, then move on to the next question. Now, the other part of this question is find the sum of first 30 terms. So now a is 12, common difference is given by 18 minus 12, that would be 6, and my n would be 30. So using the formula of sum of n terms, that is given by n by 2 into 2a plus n minus 1d. So sn will be given by 30 by 2 into 2a, a is 12, plus 30 minus 1 into d will be 6. So on solving this, we can get 30 by 2 into, if I take 2 common, it would be 2 times 24. Over here it will be 19 into 6. So as if maine 2 common le liya hai, so it would be given by 29 into 3, aur ye 2 se 2 cancel ho gaya. So hence my answer becomes 29 into 3 would be given by 87. So 87 plus 24 will be what? 7 plus 4 is 11 and 8 plus 2 is 10. So this will become 3330. Kindly pause the video and note down the solution. Once noted, then move on to the next question. Now, in the second part, for finding the sum, my a is 11, my difference would be 26 minus 11, that is 15, and the number of terms is 30. So, using the formula of sum of n terms, it will be given by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So, sum of first 30 terms ke liye hum n ko 30 put kar denge. 30 by 2 into 2a plus 30 minus 1 into d. My d is 15. So solving this, this will become 30 by 2 into 22 plus 29 into 15. So if I solve this, this will become 15, 22. Ab 29 into 15 ko hum kya kar sakte hain? That would be given by 435. Ab inko agar hum add karte hain, so it will be 15 into 457. So now how to multiply this 4 into 457? 15 into 457. So 457 can be written like this. So 15 into 400 would be given by 6000. 15 into 50 will be 750, and 15 into 7 will be 105. So if I add these, this will become 5 5 8 6. So my answer is 6855. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next question. Question number 2 says that find the sum of all the multiples between 43 and 349. So agar hum yahan pe multiples dekhen 7 ke between 43 and 349, my first multiple will be 49.
My second multiple would be 56, next would be 63 and so on. अब लास्ट में मुझे चेक करना है कि क्या 349 जो है वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं. तो इफ़ आई सी से 349 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7. तो अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट दैट 7 का क्यूब होता है 343. सो 343 वुड बी माई लास्ट नंबर जिसके अंदर मेरे पास 7 का मल्टीपल आएगा. सो नाउ ओवर हेयर आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस. अब अगर आप ध्यान दें तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. अब मेरे पास ए जो है वो तो 49 आ गया, ये फर्स्ट टर्म है. वो डिफरेंस मेरे पास 7 का आ रहा है, दैट इज 56 माइनस 49. बट मेरे पास एन की वैल्यू नहीं है. एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. सो हाउ कैन आई फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स? ओवर हेयर इफ आई टेक यू इफ आई टेक यू टू दी फॉर्मूलाज, यू कैन सी दैट देर इज अ फॉर्मूला एन बाय टू ए प्लस एल, बट अगेन दिस इज डिपेंडेंट ऑन एन एंड द अदर फॉर्मूला इज दिस विच यू हैव रिटन ओवर देयर. सो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर दिस. सो इसको करने का एक तरीका रहेगा आपके पास. एन ए टर्म को आप 343 मान लीजिए. सो एन ए टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी. सो एन ए टर्म जो है लास्ट टर्म 343 है, ए इज 49 ओवर हेयर, एन हमें निकालना है और डी कितना है हमारे पास 7. सो इफ आई ओपन अप द ब्रैकेट्स दिस वुड बिकम 49 प्लस 7n माइनस 7. सो दिस वुड बिकम 343 42 प्लस 7n. सो अगर मैं 42 को माइनस करता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 301, दैट इज 7. अब 301 को अगर हम n से 7 से डिवाइड करें सो n वुड बी 7 फोर जर 28, दैट वुड बी 43. सो बेसिकली मेरे पास इसमें 43 टर्म्स आ रही हैं. नाउ पुटिंग दीज टर्म्स बैक इन द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ 43 टर्म्स, दैट वुड बी गिवन बाय 43 बाय 2 इंटू 2a प्लस 43 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 7. सो दिस बिकम्स 43 बाय 2, दैट इज 2 इंटू 49 वुड बी गिवन बाय 98 एंड 42 इंटू 7, दैट वुड बी 7 टू द 14 एंड 40 294. That would be given by 294. So if I add this 43, 98 plus 20, 98 plus 294, that would be given by 392. Now cancelling this, I will be getting 2 1s are 2, 2 9s are 18 into 196. So my ultimate answer should be 43 into 196. Now the answer should be the option ending with 8, because 3 into 6 is 18. So the any option which is ending with 8 can be your answer. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next question. Now the next concept is arithmetic mean. अब अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन इज बेसिकली द नंबर्स इन बिटवीन टू नंबर्स विच मेक्स इट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. लेट अस से अगर मैं आपको कहूँ कि 1 और 2 के बीच में एक नंबर ऐसा इंसर्ट करो सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो नंबर क्या होगा? 1.5. क्योंकि हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहता है. तो अगर मैंने दो नंबर इंसर्ट करने हैं तो वॉट आई सिंपली डू इज आई एड दीज टू नंबर्स एंड डिवाइडेड बाई टू. तो आप देख सकते हैं 1.5 आ गया. अब अगर मुझे इनके बीच में दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? माय आंसर वुड सिंपली बी, पहले मैं एक नंबर, अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस शुड बी माय सेकंड नंबर एंड दिस विल बी माय थर्ड नंबर. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं माय ए इज 1 एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, माई फोर्थ टर्म इज बेसिकली 2. नाउ फोर्थ टर्म अगर 2 है तो यहाँ पे अगर हम एन ए टर्म का फॉर्मूला यूज करें तो दिस विल बी ए प्लस 3d इक्वल टू 2. और a को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 3d इज इक्वल टू 1, तो 3d की वैल्यू 3d इज इक्वल टू 2, तो 3d की वैल्यू 1 आ गई. तो d आपके पास 1/3 आ गया. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 के अंदर 1 प्लस 1/3 कर देंगे, दैट वुड बी 4/3. अब 4/3 के अंदर 1 ऐड कर देंगे, दैट 1/3 ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी 5/3. 5/3 में अगर मैं
1 बाय 3 ऐड करूंगा तो दैट वुड बी 6 बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 2। आई होप सबको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इस मेथड के थ्रू आप जितनी मर्जी टर्म्स उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। काइंडली पॉज इट एंड एक बार रिवाइंड करके इसको अच्छे से समझिए। एक क्लियर हो जाता है देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ माई नेक्स्ट सीक्वेंस इज गिवन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ वॉट डू मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इफ आई से 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं हुई। अब अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो कंडीशन है दैट इज कॉमन रेशियो। नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस कॉमन रेशियो? नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करिए और आप देख सकते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है। अगर मैं इस केस में बात करूं दैट इज 8 एंड 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 विल अगेन बी 2। नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 8 विल अगेन बी 2। नेक्स्ट 32 डिवाइडेड बाय 16 विल अगेन बी 2। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉमन रेशियो दैट इज नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार वैल्यू फिक्स रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 1, 1 बाय 2, 1 बाय 4, 1 बाय 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप रेशियो देख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करिए प्रीवियस टर्म से, सो द रेशियो इज 1 बाय 2। 1 बाय 4 डिवाइड बाय 1 बाय 2 विल अगेन बी 1 बाय 2। तो यहाँ पे आपके पास जो सीक्वेंस है उसमें जो रेशियो की वैल्यू है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी इन फ्रैक्शंस ऑल्सो। अब इस केस में आपके पास nth टर्म का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला रहेगा a डॉट r इंटू n माइनस 1, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, r आपकी कॉमन रेशियो है और n आपका नंबर ऑफ टर्म है। सिमिलरली सम ऑफ n टर्म्स के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं जिनकी चॉइस डिपेंड करेगी r की वैल्यू पे। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो मेरे पास जो सम ऑफ n टर्म्स है दैट वुड बी गिवन बाय a डॉट r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। और वहीं अगर आपके पास r की वैल्यू लेस देन 1 है देन इट वुड बी गिवन बाय a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। और वहीं अगर आपके पास ये सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट का मतलब है चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कहीं पे, तो उस केस में जो फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का दैट वुड बी गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r। और इस चीज में ध्यान रखिए कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर r की वैल्यू 1 से ऊपर हुई तो जो सम है वो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गए हैं तो मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एल्स पॉज इट एंड रिवाइंड इट एंड काइंडली गो थ्रू द फॉर्मूलाज वेरी केयरफुली एंड वंस क्लियर देन ओनली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड T8 एंड S10 ऑफ द GP। अब हमें यहाँ पे एक GP दे रखी है 5, 10, 20 एंड 40, तो लेट अस फाइंड द रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द फर्स्ट टर्म इज 5, माय रेशियो वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2। ठीक है जी, रेशियो 2 आ गई। तो अब अगर मुझे 8th टर्म निकालनी है T8 दैट वुड बी गिवन बाय a इंटू r की पावर 8 माइनस 1 दैट वुड बी गिवन बाय a इंटू r की पावर 7। सो माई ए इज 5 एंड माई आर इज 2 टू द पावर 7। सो बेसिकली 2 टू द पावर 7 विल बी गिवन बाय 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। सो 5 इंटू 128 दैट वुड बी गिवन बाय 640। और दूसरा पार्ट जो मेरे पास है दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म्स के दो फॉर्मूला थे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला यूज होगा दैट वुड बी a डॉट r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। सो यहाँ पे a इज 5, माई r इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। नाउ 2 की पावर 10 इज गिवन बाय 1024 माइनस 1, सो इट वुड बी गिवन बाय 5 इंटू 1023। So that would be given by 5 into 1023. 5 3 is 15, 2 is 10, 11. So my answer is 5115. Kindly pause the video and note down the solution
Once clear, then move on to the next question. Question number 4. It says that find the sum of infinite terms of the series 60, 30, 15, 7.5. Now आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्लियर नहीं कर रखा कि इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो काइंडली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म एंड द प्रीवियस टर्म. और आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि पहले केस में डिफरेंस 30 आ रहा है और सेकेंड केस में डिफरेंस 15 आ रहा है. सो इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो नाउ लेट अस चेक द रेशियो. If I talk about the ratio of the first part, that would be 30 by 60 and that would be given by half. So let us check with the next part also, that would be 15 by 30 and again it is given by half. So iska matlab ratio har bar same aa raha hai, that is equals to half. So yahan pe usne keh rakha hai ki aapko iska sum of infinite terms nikalna hai. और जैसे कि ये सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय ए अपॉन वन माइनस आर, जहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म रहेगा और 60 है, आर आपका कॉमन रेशो रहेगा और दैट वुड बी 1/2. सो इट बिकम 60 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट वुड बी गिवन बाय 120. सो हेंस ये जो पूरा सीक्वेंस है इसका जो सम है दैट इज 120. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next concept. Now, if three numbers are in GP, then the middle number is also known as geometric mean. तो basically हमें उसने कह रखा है कि अगर तीन number आपके पास arithmetic mean में geometric progression में हैं, तो हमें पता है कि geometric progression के अंदर जो उनका ratio है वो same रहेगा. So B by A का ratio should be equal to C by B का ratio. So it should give us b square is equals to ac. तो जो आपका ये b है इसको हम geometric mean कहते हैं, geometric mean कहते हैं, ठीक है जी. अब अगर बहुत सारे numbers हों तो geometric mean will be given by, ठीक है, product of all the numbers to the nth root. Let us say मेरे पास ये number है 2, 4, 8. तो basically इनका जो geometric mean रहेगा that would be given by 2 × 4 × 8 का cube root. अगर ये चार नंबर होते तो पावर होल टू दी पावर 4 होता है यहाँ पे. काइंडली पॉज द वीडियो और रिवाइंड इट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वंस अगेन. वंस क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 50 भी इंक्लूसिव रहेंगे. तो इफ आई टॉक अबाउट द सीक्वेंस दैट वुड बी गिवन बाय 1, 3, 5 डॉट 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 अप टिल 49. सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है. हेंस इट इज व्हाट अ ज्योमेट्रिक सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल में अगर 1 टू 50 की बात करूँ तो 50 नंबर्स हैं, जिसमें से कि आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 25. सो पुटिंग एन इक्वल्स टू 25 दिस विल बी गिवन बाय एंड ए विल बी 1, एन अगेन एज 25 एंड डी विल बी 2. सो अब मैं 2 कॉमन लेके पूरे में से कट कर सकता हूँ. सो दिस विल बिकम 25 इंटू 1 इंटू 24 इंटू 2 दैट वुड बी गिवन बाय 25 इंटू 48 प्लस 1 दैट इज 49. So 25 into 49 would be given by, if I solve this, this would be given by 25 into 50 minus 1. Now 5 into 25 is 1250 minus 25. So my answer should be 1225. Kindly pause the video and note down the solution. Once it is clear, then move on to the next question. Question number 6. What is the sum of even numbers from 1 to 100, both inclusive? So 1 से लेके 100 के बीच में जो numbers रहेंगे, that should be 2, 4, 6, 8, dot, 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 up till 100. So A over here will be 2, number of terms will be 50, and the common difference will be 2. Number of terms 50 कैसे हैं? क्योंकि 1 से लेके 100 तक हमारे पास जो numbers हैं, वो total में 100 हैं, जिसमें से आधे even होंगे और आधे odd होंगे. तो उस चीज के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, उस चीज के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे आपके लिए n इक्वल टू 50. तो अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें दैट वुड बी गिवन बाय 50 बाय 2 इंटू 2a
plus 50 minus 1 into d. Now d is 2. Again taking 2 common out, it will become what? 2 plus 49, that is 50 into 51, which can be solved by 50 into 50 plus 1, that would be given by 2500 plus 50. So my ultimate answer should be 2550. Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next concept. Question number 7. The next term of the sequence will be, अब यहाँ पे उसने हमें सीक्वेंस दे रखा है, दैट इज 1, 2, 10, 37 एंड सो ऑन. तो दिस इज प्योरली एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ना ही यहाँ पे आपके पास कोई कॉन्स्टेंट फिक्स डिफरेंस आ रहा है, दैट इज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. और इफ आई टॉक अबाउट द लॉजिक ऑफ व्हाट यू से द डिफरेंस, ठीक है जी, तो यहाँ पे वो डिफरेंस का लॉजिक भी नहीं लग रहा है और रेशो का लॉजिक भी नहीं लग रहा है. हेंस दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस डज नॉट बिलोंग टू टेक्निकल, और आप इसमें हमारे सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं टू फाइंड आउट द लॉजिक फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. मैं इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर एट कहता है, इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज That is, T3 आपको 2 दे रखा है. Then the product of its first 5 terms is, आपको बताना है product of first 5 terms. That is, T1, T2, T3, T4, T5. अब अगर हम T3 की बात करें तो nth term के formula के हिसाब से this would be given by AR की power 3 minus 1. That is, AR square is equals to 2. AR square is equals to 2. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो T1 will be A, T2 will be AR, T3 will be AR square, T4 will be AR cube and T5 will be AR to the power 4. तो अगर मैं यहाँ पे इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, so I am getting A to the power 5 and it would be given by R की पावर 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10. सो बेसिकली यहाँ पे जो बन गया दैट इज ए टू द पावर 5 डॉट आर टू द पावर 10. नाउ इस चीज को कैन आई राइट इट लाइक दिस, होल टू द पावर 5 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडेसेस. नाउ ए आर स्क्वायर विल बी गिवन बाय 2 एंड 2 टू द पावर 5 दैट वुड बी गिवन बाय 2, 4, 8, 16, 32. सो माई अल्टीमेट आंसर शुड बी 32. काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन. Once clear, then move on to the next question. अब मैं यहाँ पे व्यूअर्स को एक चीज और समझाना चाहूंगा कि अगर मुझे कभी नंबर्स अज्यूम करने पड़ जाएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, ठीक है जी, तो लेट अस से अगर मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स अज्यूम करने हैं तो ऑलवेज अज्यूम देम लाइक दिस. माय फर्स्ट नंबर वुड बी ए माइनस डी, सेकेंड वुड बी ए एंड थर्ड वुड बी ए प्लस डी. सिमिलरली अगर 5 नंबर्स अज्यूम करने पड़ जाएं, so it should be a plus d, a plus 2d and पीछे वाले नंबर रहेंगे a minus 2d, a minus d and a. सिमिलरली अगर 7 नंबर अज्यूम करने पड़ जाएं, so it should be a plus d, a plus 2d, a plus 3d और पीछे पड़ जाएंगे नंबर a minus d, a minus 2d and a minus 3d. काइंडली पॉज करके पॉइंट अपने पास लिख लीजिए. अगर यही आपको 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अज्यूम करने पड़ गए तो सेंटर का नंबर ए, नेक्स्ट नंबर वुड बी ए आर, इससे पहले वाला नंबर वुड बी ए बाय आर. अगर 5 नंबर अज्यूम करने पड़ गए तो ए, ए आर, ए आर स्क्वायर और पीछे ए बाय आर, ए बाय आर स्क्वायर. और यहीं अगर आपको 7 नंबर अज्यूम करने पड़ जाएं, ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और पीछे जो नंबर रहेंगे वो ए बाय आर, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर क्यूब. काइंडली इस पॉइंट को भी अपने पास नोट कर लीजिए, कई क्वेश्चंस में ये चीज एप्लीकेट होती है. इफ नोटेड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 9. Find the sum of all the odd numbers between 20 and 200, excluding those which are multiples of 12.
तो अभी क्वेश्चन में उसने क्या कह रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स 20 और 200 के बीच में होंगे, 21, 23 एंड सो ऑन अप टिल 199। बट उसने इसमें कह दिया है एक्सक्लूडिंग दोज विच आर मल्टीपल्स ऑफ 12, उसमें वो वाले मल्टीपल्स हटा देने हैं हमने जो 12 के होंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 12 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे होते हैं इवन, और इस सीक्वेंस के अंदर जो मैंने नंबर यूज कर रखे हैं वो सारे यूज कर रखे हैं ऑड। तो बेसिकली हमारे पास इस सीक्वेंस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 का मल्टीपल हो, हेंस वी विल नॉट बी सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। सो बेसिकली जो मेरे पास ये सीक्वेंस बन गया दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए इज 21, डी इज 2, माई नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी वॉट, माई नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी वॉट। अब हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, अब आप देखो अगर 1 से 200 की बात करें तो आपके पास 100 ऑड नंबर्स होंगे, और 1 से 20 की अगर आप बात करो तो आपके पास 10 ऑड नंबर्स होंगे। मेरा जो सीक्वेंस है वो 20 से 200 है, तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है, इन 100 में से 10 कॉमन नंबर कट गए, तो बेसिकली 90 आर द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर बिटवीन 20 एंड 200 और विच आर ऑड। सो नाउ एन इज इक्वल टू 90। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स वुड बी 90/2 इंटू 2a प्लस 90-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 2। अब आप ये 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए, सो इट वुड बी 21 प्लस 89, दैट वुड बी गिवन बाय 90 इंटू 110। द अल्टीमेट आंसर शुड बी 9900। Kindly pause the video and note down the solution. Once clear, then move on to the next question. अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको कह दिया होता इवन नंबर्स, इसी क्वेश्चन में आपको कह दिया होता कि अगर आपको इवन नंबर्स निकालने हैं और इवन नंबर्स निकालने के बाद आपको करना है यहाँ पे विच आर एक्सक्लूडिंग दोज विच आर मल्टीपल्स ऑफ 12, तो हाउ विल वी सॉल्व दैट? Kindly pause the video and try to do this question once at your own. So how will we solve that? अब even numbers जो रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम 20, हम मान के चल रहे हैं कि 20 और 200 जो है वो including है, so it would be 20, 22, 24 up till 200, और 12 के जो multiples रहेंगे that would be 24, 48, 60, so on अप टिल 192। तो बेसिकली मुझे ये कॉमन नंबर्स जो है ये नहीं चाहिए, दैट इज नहीं चाहिए। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, आई विल बी जस्ट ड्रॉपिंग एन हिंट टू यू। आप देख सकते हैं कि अपने आप में ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालिए यूजिंग द फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स। देन आप दूसरे वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका सम निकालिए और दोनों सम्स को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास वो नंबर्स का सम आ जाएगा विच आर इवन बिटवीन 20 एंड 200 और विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 12। काइंडली इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइंड करके अच्छे से समझिए। वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 600 मीटर्स। ठीक है जी, आपको उसने क्या कह रखा है कि एक बॉल है जो फेंकी गई है 600 मीटर की हाइट से। तो लेट अस से ये ग्राउंड है मेरे पास, ये 600 मीटर की हाइट से बॉल आई। एवरी टाइम इट टचेस द ग्राउंड इट गोज 5/6 ऑफ द डिस्टेंस इट हैज कम फ्रॉम। अब ये बाउंस कर गई वापस 5/6 ऑफ द डिस्टेंस इट हैज कम फ्रॉम, उसके बाद ये वापस गई बॉल और फिर से टच करने के बाद ये यहां तक पहुंची, दैट इज 5/6 ऑफ 600, और फिर नीचे वापस गई एंड सो ऑन, बाउंस करती रही एंड सो ऑन करते करते ये बिल्कुल डाउन चली गई। वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। आपको बताना है कि बॉल जो है वो उसका टोटल डिस्टेंस क्या है बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट। तो अब आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट डिस्टेंस इज 600, सेकेंड डिस्टेंस वुड बी ट्वाइस ऑफ 5/6 ऑफ 600। ये मैंने ट्वाइस इसलिए लिया है क्योंकि बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई, प्लस 2/5/6 ऑफ 600 एंड डॉट 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 चलती जा रही है, क्योंकि जो हमारी बॉल रेस्ट पे आने से पहले इनफाइनाइट बाउंसेस ले चुकी होगी।
तो अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं 600 कॉमन ले लूं पूरे में से, या अगर मैं 600 पहले वाला बाहर रख लूं और सेकेंड ऑनवर्ड्स 2 × 600 कॉमन ले लूं, सो अंदर मेरे पास रह जाएगा 5/6, 5/6 का स्क्वायर, 5/6 का क्यूब, डॉट 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 चलता जा रहा है। सो दिस वुड बी गिवन बाय 600 प्लस 1200। अब ये जो आपके पास सीक्वेंस बन रहा है, ये आपका बन रहा है इनफाइनाइट जीपी, दैट इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका सम विल बी गिवन बाय ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, दैट इज 5/6। सो दिस वुड बी गिवन बाय 600 प्लस 1200 इंटू, सॉल्व करेंगे 5/6 डिवाइडेड बाय 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। मैं आंसर के लिए ऊपर लिख रहा हूँ, सो माई आंसर शुड बी 600 प्लस 1200 इंटू 5, दैट इज 6000, हेंस माई अल्टीमेट आंसर शुड बी 6600। काइंडली पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन, वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सबको यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं। काइंडली कीप ऑन लाइकिंग, रिव्यूइंग एंड शेयरिंग आर वीडियोस। थैंक यू।